मैं मॉर्निंग में जैसे ही उठती हूँ, मैं अपनी विंडो और गेट, बालकनी के गेट, मेन गेट नहीं, मैं सारे खोल देती हूँ। यकीन मानिए, बाहर की हवा आती है तो बहुत पॉजिटिविटी मिलती है हमें। ये मेरी ग्रीन टी है। ग्रीन टी का मतलब है कि मैं इसमें पानी और सिर्फ गिलोय की पत्तियाँ डाली हूँ, यही बॉयल करके। और इसी का कलर जब ग्रीन हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, तब इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, फिर मैं इसे छान के इसमें ना मैं थोड़ा सा शहद भी डालती हूँ। ये मेरा भावना का और एंजल का, और इसमें ना मैं डालूँगी थोड़ा थोड़ा शहद। मैं वॉकिंग करके आती हूँ अपनी ग्रीन टी क्या वही गिलोय वाला काढ़ा पी के, और उसके बाद मैं पौधों में अपने पानी डाल के फिर मैं नहा के अपना पूजा पाठ करूँगी। तो पहले मैं इन सब में पानी डाल दूँ। ये मम्मा सुबह सुबह ना नहा धो के मेकअप करती हैं। देखिए कैसे मेकअप कर रही हैं, अपना होममेड ऑयल लगा ले, फिर ब्लॉग बनाएंगी, है ना अम्मा? मैंने अपने ब्लॉग में ना सारी चीजें एकदम नेचुरल दिखाना चाहती हूँ कि जैसे हम रहते हैं, जो हम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बनाया, क्या बोलना है, क्या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम रहते हैं बस वही चीज दिखाते हैं। और ब्लॉग का मतलब भी यही है कि रियल, हाँ, डेली लाइफ देखना है उन्हें, थोड़ा सा रियलिटी, रियल चीज देखने के लिए लोग आते हैं ब्लॉग देखने। रात को छोड़ दो तुम्हारे लिए? नहीं, सब चढ़ा दो मम्मा, सब एक बार में चढ़ जाएंगे ना, फिर मैं जब पूजा करूंगी आरती कर लूंगी। और फिर मुझे लगता है तुमने सब चढ़ा दिया है तो मैं लेती भी नहीं हूँ वो, फिर इधर ही। तुम्हारे ही तो सपने में देवी माता आती हैं कि दो ठो फूल खिला है और भावना चलो मुझे पूजा करो, चढ़ाओ, कहती है कि नहीं? हाँ ये तो है, बहुत बार ऐसे सपने आते हैं। कहती हूँ कि भैया तुम्हारे सपने में माता आने लगेगी। मम्मा नंगे पैर जा रही हैं नीचे जल चढ़ाने। बुआ सास हैं, वो चप्पल नहीं पहनती हैं। बड़ी बुआ नहीं, बुआ सास चप्पल नहीं पहनती हैं, तुम्हारे पापा की बुआ। हाँ मैंने भी नोटिस किया है, वो स्लीपर कभी नहीं पहनती। वो कभी पहनी नहीं है। उनको तो शायद माई बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई थी ना, जब उसे सुना जा रही थी, हाँ, जब वो ससुराल जा रही थी शायद तब भी बिना चप्पल के ही गई थी। ओ, उनका अपना स्टाइल है, उसमें कोई क्या कर सकता। और वो ना क्या कहते हैं कि ये पूजा बहुत करते हैं, बहुत व्रत को बचाता रखते हैं। ये रहा नीम का पेड़, मम्मा यहीं जल चढ़ाने आई हैं। एक्चुअली आज ना सप्तमी है और हम 4 महीने की सप्तमी रखते हैं, ये लास्ट है, और कल पूजा है। तो आज ना नीम के पेड़ में ऐसे जल में दही और गुड़ डाल के जड़ चढ़ाया जाता है फूल और वो। तो मतलब ठंडी चीज़ें, माता को ठंडी चीज़ें पसंद है, तो ही मैं आई थी यहाँ पे जल चढ़ाने, चढ़ा के चल रही हूँ। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने शुरुआत की है, हेलो हाय नमस्ते जो भी बोला है,
तो शंख बज रहा है। जैसे ही मैंने माता के बारे में कुछ बोलना स्टार्ट किया वैसे ही शंख बज रहा था यहाँ पास में मंदिर है। मम्मा खुश हो। हाँ। ये ना आज पता नहीं क्यों सुबह से इसके हाथ में दर्द हो रहा है और मैंने नमक पानी से सेंधा नमक डाल के पानी से सिकाई कर दी पर ये ठीक ही नहीं हो रहा है। फिर दवा भी लगा दी है नहीं ठीक हो रहा है तो हम कहे आओ अब मुझे गर्मी लग रही थी तो हम कहे चलो ऐसे सिकाई कर दे रहे हैं प्रेस से हैंकी गर्म करके इस तरह से। सिकाई से क्या होता है ना कि आराम तो हो जाता है पता नहीं क्यों आज नहीं आराम हो रहा है नहीं तो इसे नमक पानी से सिकाई कर देती हूँ तो आराम हो जाता है। मम्मी का नया तरीका है प्रेस से सेकने का। हाँ ये इस तरह से गर्म कर लिए गर्म हो गया फिर सो भी रही होगी हाथ मुड़ा रह गया होगा ना रात में या दब गया होगा तो इसलिए दर्द कर रहा है ठीक हो जाएगा। भाना आज तुम क्यों बना रही हो ब्रेकफास्ट? क्योंकि आज हमारा फास्ट है ना तो हम लोग अपना फास्ट खुद ही ब्रेक करेंगे। ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ। अब बनाना कैबिनेट सेकना है चाय इंडक्शन पे रख दी है बनी रहे सब अपने आप ही बन जाए। तो आज का ब्रेकफास्ट भावना के हाथों से। हाँ एक टोस्टर होता तो ये भी ना करना पड़ता। टोस्टर खराब हो गया है। एक था नोएडा में। हाँ वो है तो अभी भी अब वो हो गया ब्रेड सेक रही है यहाँ चाय बन रही है। आज चुके तो हम बाटा हुए थे हमें शूज़ लेना था एंजल के लिए बट मिला नहीं तो अब प्रांजल के लिए स्लीपर ले रही हूँ मम्मा लेके फिर हम निकल रहे हैं। अब हम जाएंगे लिबर्टी वहाँ देखेंगे एंजल के लिए क्या पता शूज़ मिल जाए। चलो एंजल। ये मम्मा और एंजल जा रहे हैं ले लिया स्लीपर। आज ना मैं आई हूँ शूज़ लेने एंजल के लिए एंजल और भावना के लिए। बाटा पे पसंद ही नहीं आया फिर हम आए हैं लिबर्टी पे और देखते हैं यहाँ भी पसंद आता है इसको कि नहीं। आप लोग मिल रहे हैं अभी मास्टर शेफ भावना से जो जिसको कि कुछ नहीं आता बनाने चाय आती है चाय बना के मास्टर शेफ बन गई और नहीं तो क्या। ये वैसे एंजल की कैप है उसका कुछ स्कूल का है कंपटीशन वीडियो भेजनी है तो उसमें ड्रेस कोड था वाइट शर्ट वाइट ट्राउजर या स्कर्ट शॉर्ट्स जो भी और ये कैप तो हमने अभी ये कैप सिलने के लिए दी थी तो हम लेके जा रहे हैं। अभी हम दिखाएंगे कि एंजल कैसी लगती है ये सब पहन के पूरी वीडियो शेयर करेंगे। हाँ बनाती क्या है। हाँ बनाती क्या है वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छी मास्टर शेफ है उसको भी सिर्फ चाय बनाने आती है और मैगी मुझे भी आती है मम्मा और इप्पी भी बना लेती है वो। हाँ इप्पी मुझे भी आती है दोनों ही सेम लेवल पे हैं। तो चलिए देखते हैं आज एंजल क्या बनाती है। और वो भी बिना फायर के। हाँ फायरलेस कुकिंग है। अब ब्रेकफास्ट बनाना है मुझसे कह रही थी कि मम्मा कुछ भी बना दो ब्रेकफास्ट लंच डिनर बिना फायर के लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कैसे बनेगा। बहुत सारे डिशेज हैं बेटा। हाँ वही तो कह रही हूँ बहुत सारे लेकिन जुगाड़ू भी होती हैं वो। हम लोग घर पहुँच गए हैं मम्मा ये जा रही हैं फ्रूट्स लेने जा रही हैं। आज मम्मा का फास्ट है ना सप्तमी का तो उसी के लिए फ्रूट्स लेने गई हैं। ले रही पैसे दिए बेटा। हमने नारियल पानी फाइनली ले ही लिया मम्मी का फास्ट है
मैंने भी अपना जुगाड़ कर लिया इसी में। मम्मी का हर काम स्पीड में रहता है, खाना पीना चलना उठना बैठना सोना। नहीं सोती बहुत देर में है, लेट के आधे घंटे योगा करती के सो जाओ। एक्सरसाइज माइंड वाली। हाँ मुझे नींद थोड़ी लेट आती है, कंसेंट्रेट करती है फिर जाके सोती है। वैसे मेरा भी है। एंजल और मम्मा ने बनाया और सबसे पहले मैंने खाया। लेकिन बनाया मैंने पूरा था, मम्मा ने सब्जियां काट दी थी, वही तो मेन था। आज मम्मी का फास्ट है तो वो नहीं खाएंगे, तो मैं और एंजल खा रहे हैं। प्रांजल भी आ गया। एंजल और मम्मा ने बनाया और मैंने पिया। पहले खाया और अब मैं इसे पीऊंगी। कहे बीच में बैठी हो। वैसे तो मैं किनारे पे हूँ, लेकिन किनारे को ही बीच कहते हैं। और नहीं तो क्या, समुद्र के किनारे को बीच नहीं कहते हैं। Cheers. बहुत टेस्टी बना है मम्मा। तुमने इसकी वो रेसिपी शेयर की है क्या? शॉर्ट्स डाला था मैंने सर। एंजल ने बहुत कुकिंग कर ली, अब प्रांजल सीखने आया है, ये कुकिंग सीख रहा है। मम्मा सारा काम कर रही है। क्या कुकिंग है भाई? कुकिंग सीम इस गार्डनिंग। दो चम्मच तीन चम्मच घी डाल दे, ठीक है? पांच चम्मच तीन तीन अरे घी के नाम भी कैसे बोली ना, दो चम्मच और तीन चम्मच तो दोनों ऐड हो गए पांच चम्मच।
होपफुली तुम्हारा नेक्स्ट टास्क है। ढूंढ लिया मम्मा। ये कुकिंग सीख रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा था, मम्मा बना रही है। अच्छा लग रहा है। हाँ एंजल तो बहुत अच्छा बैठी है, देखो एंजल का सबसे बढ़िया हर काम ही इसका अच्छा रहता है। ये आज ने मेरा फास्ट है, सप्तमी का फास्ट है, तो इसमें ना तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खाई जाती है। तो ये मैंने आलू बॉयल कर लिया था और ये गुड़ ले लिया है और ये मैंगो शेक बनाया है। दोपहर में तो मैंने ये आलू तब भी दोपहर में मैंने दो आलू दोपहर में भी खाई थी, बट मैंने दही के साथ खाई थी और मैंगो शेक वो सब बनाया था, फ्रूट्स मैंने ले लिए थे, बट इस टाइम मेरा कुछ मन नहीं है। अभी मैं एक गिलास दूध भी लूँगी, तो सिर्फ इतनी इच्छा है कि बस इतना ही खाऊँगी। और ये मेरा हो गया, ये मैं फास्ट वाला खाऊँगी। और यहाँ पे ये भावना का डिनर हो रहा है और मैं अपना फास्ट वाला खाऊंगी। प्रांजल और एंजल और माई डिनर कर चुके हैं, शायद प्रांजल अभी कर ही रहा है और माई कर चुकी हैं। एंजल माई की प्लेट हटा दी बेटा, हटा दो, अभी अभी जस्ट खा चुकी हूँ, हटा दो। तो सबने खा लिया है और मैं अपना ये फास्ट, एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं रात का डिनर बना के और फिर मैं नहाई हूँ, क्योंकि ऐसे ही शुरू से रहा है कि जैसे फास्ट है तो कुछ जूठा उठा छू लेते हैं ना, तो फिर नहा लेती हूँ। तो फिर मैं नहा ली हूँ, नहा के आई हूँ, फिर मैं अपना ये चलूँगी खाऊँगी। और आप लोगों को ना वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। आज ना थोड़ा सा पूरा दिन बहुत ही बिजी रहा, क्योंकि एंजल की जो कुकिंग क्लास थी उसमें हमें वो कैप अरेंज करने में थोड़ी मुश्किल हुई। कल भी मैंने खोजा, आज भी खोजा, तो फिर आज मेरे माइंड में ये आया कि मैं अपने टेलर से बात करती हूँ, हो सकता है वो बना दे। तो मैंने उसे कॉल किया तो उसने कहा कि ठीक है आप ले आइए बेटी को, मैं उसका नाप ले लूँगा और बना दूँगा। और गई सच में, आधे पौन घंटे में उसने बना दिया और फिर हमने तुरंत ही वीडियो बनाया और उसकी मैम को भेज दिया। उसकी मैम को बहुत पसंद आया वीडियो, बहुत अच्छा बना है। और चलिए अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। कुछ नहीं दिख रहा है इसको ना, वो जो मूंगफली वाला फ्राइड राइस बनता है ना, बहुत पसंद है इसे, और वो भी आलू टमाटर की सब्जी के साथ। तो आज ना मुझसे वही बनवाई है तो वही खा रही है और इसे बहुत पसंद है, तो अपने खाने में बिजी है। देख रही थी मैंने कैमरा ऐसे किया, वैसे ही फिर शुरू हो गया। आज इसने बोला था कि मम्मा मेरे लिए वो मूंगफली वाले राइस बनाना है और सब्जी आलू टमाटर के बनाना, तो मैंने आज वही बनाई थी। अगर आप लोगों ने ना वो मूंगफली वाली राइस की रेसिपी ना देखी हो तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जरूर से चेक करिएगा, बहुत अच्छा बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए थैंक यू, बाय बाय। Bye-bye.